बिल्कुल, और पिछले कुछ 2-3 सालों से टेलीविजन चैनल पे जब से इन लोगों को बैठाया जाने लगा, अर्नब ने नाम लेकर हम लोग कहें कि अर्नब ने जब से इन लोगों को बैठाना शुरू कर दिया अपने एक नहीं, विंडो में। अर्नो ने बैठाता बनी थी, मोबाइल बैठाता हिंदी वाले में। अर्नो के अंग्रेजी अंग्रेजी को लेने देना नहीं, अंग्रेजी लाठी चली हुई है अंग्रेजी में। हाँ, ये नहीं तो हिंदी हिंदी वाला तो सब। बैल ने तो नकल ही है, उसे कहा जाता गरीबों का अर्नब, तो बैल ने तो हाँ सही कह रहे कि बैल के प्रोग्राम में ज्यादातर ये दिखाई देता है। ये तो समझ में आ जाता है कि इन लोगों ने कुछ टेलीविजन चैनल के विंडो पर दिखने के लिए हनुमान गढ़ी के गद्दी की, उसके महंत की पद की गरिमा गिराई, और यही वजह है कि हिंदुत्व की क्षति ऐसी हुई। आप तो मनीष जी बड़ी दुखती रख पे हाथ धर दिया कि वो जब मैं देखता था कि वो 4 खिड़की के लिए 14 खिड़की खुली, उनमें खिड़की में ये राजू दास भी बैठे हैं, मुझको बड़ा कष्ट होता था। और अभी बताता हूँ मनीष जी क्यों होता था। कि हनुमान गढ़ी का महंत वहां 14 ऊट पटांग जो बैठे उनके साथ बैठे डिबेट कर रहा है। अरे तुम्हारी गरिमा कुछ और, तुम कभी कभार कोई खास मुद्दा हो उस पर आप अलग से इंटरव्यू हो तो बात समझ में आती है। उन 14 तू तू मैं, वो वारिस पठान कुछ कह रहा हो, फलाना मौलाना कुछ कह रहा हो, उसका तुम गाली गलौज से जवाब दे रहे हो, सारी गरिमा तो तुमने खत्म कर दी उसकी। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ मनीष जी, बनारस के संकट मोचन मंदिर के महंत थे प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र, और वो उनको आप कतई नहीं कह सकते कि वो भाजपा या कांग्रेस को झुका हो। कांग्रेसी उड़ाया करते थे कि ये कांग्रेसी है, भाजपाई कहते थे भाजपाई, कहीं किसी ने तो मेरी उनसे 2-3 मुलाकातें हैं और 2-3 बड़े विवादास्पद इशू हुए उनके जीवन काल में। एक वो वाटर पिक्चर को लेकर हुआ था जिस समय दीपा मेहता आ गई थी बनारस को कलंकित करने के लिए, तो उस समय ये हुआ कि बनारस की जो आग लगी हुई है, बनारस में जो तनाव है उसको एक ही व्यक्ति कम कर सकता है, वीरभद्र मिश्र। तो मैं भी रिपोर्टिंग करने गया था तो मैं उनसे 2 बार मिला उस दौरान। इतने विनम्र आदमी और इतने सुलझे हुए आदमी, और उन्होंने बिल्कुल खुलकर कहा कि मैं इस विवाद में कतई नहीं पड़ना चाहता हूँ, और अगर इस पटकथा में जरा सा भी ऐसा कुछ है तो कतई यहाँ पे फिल्म नहीं बननी चाहिए। इतना कहकर उन्होंने काम खत्म कर दिया था, उन्होंने अपना मैंडेट सुना दिया था। इनकी तरफ प्रपंच थोड़ी गया, इस टेलीविजन पे बैठे हैं, उस टेलीविजन पे बैठे हैं, इस चैनल पे बहस हो रही, उस चैनल पे बहस हो रही, ये वो कतई नहीं करते थे। और ये भी बता दूं, क्योंकि वो मेरी नॉलेज में है मनीष जी, क्योंकि कांग्रेसी जो पूरा जोर लगाया कांग्रेसियों ने, मोदी से पहले की बात है, 2014 से पहले की, 2000 की बात वीर है सर, 2000 की बात है, 99-2000 में मास काम कर रहा था मैं नहीं उस समय, वाटर वाटर वाला तो फिल्म। मनीष, वाटर फिल्म वाला तो वो सन 2000 की बात है जब दीपा मेहता आई थी। जी उसके अलावा मनीष जी, बनारस से लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र लड़े, इसके लिए कांग्रेसियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, और हर चुनाव में लगाते थे वो, जब भी लोकसभा चुनाव आता था, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर प्रोफेसर साहब खड़े हो गए तो एक तरफा जीत होगी। लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ना तो बड़ी दूर की बात रही, उन्होंने कभी किसी के पक्ष में कोई बयान नहीं दिया। वो हनुमान जी के भक्त थे या BHU में वो पढ़ाते थे, इतना ही था उनका। तो ये होती है गरिमा। तो मैंने कहा संकट मोचन सर्वश्रेष्ठ सब, एक तो बाबा विश्वनाथ वहां बैठे हैं बनारस में, और दूसरे हनुमान जी संकट मोचन वहां बैठे हैं, तो उनके अगर आप उनके सेवा को, उनके महंत की गद्दी है तो उसकी गरिमा को बना के रखो। इसको सड़क छाप मत बना दो कि हर नेता के मुंडन छेदन यज्ञोपवीत, और एट होम भी हो रहा है, और शादी में भी आ रहे हैं, हर जगह चमक रहा है चेहरा। राजू वीरभद्र मिश्र को कोई देखता नहीं था। उनकी मनी जी एक और बता दूं कि बात चली हनुमान जी की गरिमा की, संकट संकट मोचन का जो संगीत महोत्सव होता था वो उन्हीं की देन था। और मैं एक बार मैं ऐसे चला गया रात में, काफी रात हो गई, 3-3 बजा था, और वो हाँ पंडित जसराज उस समय करीब 2 बजे वो मंच पे आया, 1 या 2 बजे रात में वो मंच पे आया पंडित जसराज। तो उन्होंने आते ही माफी मांगी, हाथ जोड़ करके, मैं महंत जी से माफी मांगता हूँ कि मैं पिछली बार नहीं आ पाया था, और अगली बार के कार्यक्रम की तिथियां मुझको पहले भेज दीजिएगा ताकि अगली बार मैं आ सकूं। और दर्शक ये भी जान ले मनीष जी कि उस संकट मोचन उत्सव जो संगीत उत्सव होता अब भी होता अप्रैल में, अब उसकी स्थिति खराब है जब से महंत जी ने नहीं रहे, कि निःशुल्क आते थे सारे संगीतकार अपनी पूरी टीम के साथ, और अपने पैसे से होटल में रुकते थे, वो पैसा नहीं लेते थे, कहते थे हम हनुमान जी के सम्मान में आए, हनुमान जी की सेवा के लिए आए हैं। और 3 दिन का वो अद्भुत शास्त्रीय संगीत की जिनकी रुचि है बनारस में सब जानते होंगे, पूरे देश में, तो ये इस स्तर पर उस मंदिर को ले गए थे प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र। उनके सुपुत्र फिलहाल उस कसौटी में कहीं खड़े नहीं उतर रहे, लेकिन हाँ वीरभद्र मिश्र ने बताया था कि हनुमान जी की सेवा कैसे की जाती है, कितने सम्मान के साथ की जाती है। ये नेतागिरी कर रहे हो, बिल्कुल हम मेयर का चुनाव लड़ेंगे, हम पार्षद का चुनाव लड़ेंगे, हम विधायक का चुनाव लड़ेंगे, या उसके बाद इस तरह की नंगई।